क्या देखते हैं, क्या कहते हैं? अनुमति आप सबकी। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी का भाजपा कार्यालय आगमन हुआ है, उनका बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं उनसे आग्रह करता हूं लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उस पर आप सबको संबोधित करेंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 का आज परिणाम आ रहा है और मुझे बताते हुए बड़ा गौरव हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीट में विजय होना तो सुनिश्चित हो गया है और एक सीट में भी अभी काउंटिंग चल रही है और हमको पूरा विश्वास है कि काउंटिंग फिनिश होते होते वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी अवश्य जीतेगी। और इस अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ के समस्त देवतुल्य मतदाता भाई बहनों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला। उनकी गारंटी पर छत्तीसगढ़ की जनता ने, यहाँ के मतदाता ने मोहर लगाया है, तो बहुत बहुत उनको धन्यवाद बधाई देते हैं। और साथ ही साथ हमारे प्रदेश के लाखों लाखों कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने नौतपा जैसे तपती गर्मी में भी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए परिश्रम किया। और साथ ही साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको भी धन्यवाद देते हैं। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी धन्यवाद देते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी सहित हमारे सभी केंद्रीय मंत्रियों, केंद्रीय नेताओं को, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी को भी बधाई देना चाहेंगे कि उनके नेतृत्व में हमारा प्रदेश नेतृत्व भी बहुत परिश्रम किया। श्री नितिन नवीन जी जो हमारे चुनाव के प्रभारी थे उनका भी मार्गदर्शन मिला और भी हमारे माननीय शिव प्रकाश जी सबका मार्गदर्शन मिला, सबने परिश्रम किया और सब हम लोग मिलकर एक ऐतिहासिक सफलता यहां पर भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में दिलाए हैं। देखिए, अभी तो काउंटिंग कंटिन्यू है, अंत होने दीजिए, अभी कई राउंड की गिनती बाकी है और जो हम लोगों का नारा था उसके हम लोग करीब में हैं और कई प्रदेशों में हमारा प्रदर्शन थोड़ा खराब रहा है तो कई प्रदेशों में अच्छा भी रहा है, जैसे आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, ऐसे प्रदेशों में तेलंगाना है, ऐसे मतलब प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए का प्रदर्शन बहुत अच्छा है। देखिए, उड़ीसा में भी हमारा लगातार जाना हुआ, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी गए, हमारे प्रदेश के और बहुत सारे नेता भी गए और वहाँ भी मोदी की गारंटी का जादू है, वहाँ भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी गए, हमारे गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी गए और जो मोदी की गारंटी, वहाँ का जो चुनावी संकल्प पत्र है उस पर उड़ीसा की जनता ने विश्वास किया है और वहाँ प्रदेश में भी 24 साल जो लगातार वहाँ पर बीजेडी की सरकार चल रही थी उससे वहाँ की जनता उकता गई थी और इस बार भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट जनादेश वहाँ की जनता दे रही है और लोकसभा में भी अच्छा प्रदर्शन है। देखिए, एक तो ये इंडी गठबंधन वाले लगातार झूठ का सहारा लिए, चुनाव बंद हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान खतरे में पड़ जाएगा आदि आदि जो झूठ का सहारा लिए, हमको लगता है कि थोड़ा बहुत इनके झूठ का असर चल गया, लेकिन अभी काउंटिंग लगातार जारी है, हम लोग को पूरा विश्वास है कि वैसे सरकार तो स्पष्ट बहुमत में एनडीए की बनी रही है।
बिल्कुल लगातार तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की जनता ने, यहाँ के मतदाताओं ने मोदी की गारंटी पर मुहर लगाया है और हम लोग को आशीर्वाद दिया है। अब अंतिम आंकड़े तो अब